हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपको नोटिफाई किया था कि हम लोग स्टेट वाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो स्पेशली 2022 के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं फ्रॉम द जनवरी 2022 से लेके अगस्त 2022 पे, इस 8 महीने के दरमियान जितने भी परीक्षाएं हुई हैं बिहार के अंदर, उन सभी पेपरों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपके जीएस के हों, जीके के हों या फिर करंट अफेयर के, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कवर करेंगे और विद फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं, कई बार होता है ना कि एक साल के अंदर जो कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर, वो रिपीट हो जाते हैं या उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जो हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे मतलब हम बात कर रहे हैं 8 महीने के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट 8 मंथ्स के, उन पेपरों के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। और ये आपके जो अगले 4 मंथ मतलब सितंबर से लेके जो दिसंबर तक के जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, अगले 4 महीने में जो भी बिहार के अंदर डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे आपका बीपीएससी एग्ज़ाम करा रहा हो या बीएसएससी करा रहा हो या कोई पुलिस डिपार्टमेंट का हो, टीचिंग का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, उन सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहला सेट है हमारा सेट नंबर 1। तो आई होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो पूरा ज़रूर देखें इसे पूरा एंड तक, और अपने फ्रेंड्स के बीच में और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में सर्कुलेट ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 के अंदर हुई थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के दरमियान जो शुरू हुआ, उस दौरान हजीराबाग जो जेल है बिहार में, वहाँ से कौन भाग गया था, मतलब कौन भाग के निकल गया था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसके आंसर के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ से जो भागे थे वो थे जयप्रकाश नारायण। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण 1942 में ये जो हजीराबाग जेल है यहाँ से छूट के भाग गए थे। ठीक, इनके साथ दो लोग और थे, वो दो नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है अरुणा आशिफ अली, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, अरुणा आशिफ अली, और इनके साथ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, आरएमएल के नाम से जाना जाता है इन्हें। आरएमएल हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं देश में, अलग अलग जगह में, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी है। तो राम मनोहर लोहिया, ये तीन लोग जो हैं जेल से भागे थे, हजीराबाग की जेल से। ठीक है, बट जब ये निकल गए थे, भाग गए थे, ज़्यादा लंबे समय तक ये आज़ाद नहीं रह पाए, इनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। देखिए, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल क्या होता है, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो रूल होता है, मतलब कि कोई घटना होने से पहले ही किसी जो एक व्यक्ति है जिस पर संदेह है, उसको आप अरेस्ट कर लीजिए, मतलब आप उसको जेल में भी रख सकते हैं, उसको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो वो किया गया, और जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोर्ट की ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात करें अगर जो हम जयप्रकाश नारायण की, ये बहुत ही ज़्यादा वेल नोन नाम है बिहार की राजनीति के अंदर, और जो बिहार का एयरपोर्ट है पटना एयरपोर्ट, उसका नाम भी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। तो इन्होंने एक फ्रीडम ब्रिगेड बनाई थी, फ्रीडम ब्रिगेड जो है ये बनाई थी नेपाल के अंदर, और उसका नाम था आज़ाद दस्ता नाम का जो एक फ्रीडम ब्रिगेड है वो नेपाल के अंदर इन्होंने गठित किया। अब साथ में इन्होंने एक स्लोगन दिया था, उस स्लोगन का नाम था संपूर्ण क्रांति, या फिर आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं टोटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, ये नारा जो दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, बेसिकली नारा या स्लोगन आप जिसे कहें। और ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 5 जून 1974 को। देखिए, अब आज़ादी की हो चुकी है, आज़ादी वगैरह हो चुकी है, ये ब्रिटिशर्स का टाइम था, आज़ादी हो चुकी है, उसके बाद 1974 की जब हम बात कर रहे हैं, ये टाइम है आपका जब इसके बाद फिर एक दो साल बाद आपको क्या लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। इस टाइम पूर्ण जो रिवॉल्यूशन है या क्रांति है, बेसिकली टोटल क्रांति या संपूर्ण क्रांति का स्लोगन इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट था बेसिकली ये रिवॉल्यूशन, ये था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी, इसके सेंटर में इंदिरा गांधी की, तो उनके विरुद्ध ये स्लोगन चल रहा था, ये रिवॉल्यूशन चल रहा था। और इन्हें जो है भारत रत्न का अवार्ड भी मिल चुका है जयप्रकाश नारायण को, और ये मिला था 1999 के अंदर मरणोपरांत, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न का जो है अवार्ड वो भी दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया, बाकी लोगों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक है सच्चिदानंद सिन्हा,
तो सच्चिदानंद सिन्हा बेसिकली क्या है, एज अ एडवोकेट बेसिकली इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 1893 के अंदर। 1893 में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया कलकत्ता हाई कोर्ट से, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट में सबसे पहले इन्होंने शुरू किया 1893 के अंदर। उसके बाद फिर ये अलाहाबाद हाई कोर्ट आए, ALD हाई कोर्ट की अगर जो हम बात करें, अलाहाबाद हाई कोर्ट आए 1896 के अंदर, मतलब 3 साल बाद। और उसके बाद ये आते हैं पटना हाई कोर्ट, ठीक है, पटना हाई कोर्ट। और ये पटना हाई कोर्ट आते हैं 1916 के अंदर। तो ये क्रोनोलॉजी भी कई बार पूछा जा सकता है, शुरुआत कहाँ से की, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, समटाइम्स मे बी आस्क। सो ये इनकी करियर का शुरुआती टाइम था। उसके बाद ये बने INC के मेंबर, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके मेंबर बनते हैं। और इन्होंने जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 के अंदर, उसमें अपना मतलब उसके अंदर भी इन्होंने अपना काम किया था बेसिकली। और बेसिकली अगर जो हम बात करें इंटरिम गवर्नमेंट की, जो अंतरिम सरकार थी, उसके अंदर जो पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, तो वो यही थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के लिए बने थे, इसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया था किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ऑफिशियली राजेंद्र प्रसाद हैं, बट इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जगजीवन राम के बारे में हम बात करें। अगर जो जगजीवन राम, ये इन्हें कॉमनली नोन जो होता है ना, एक निक नेम या कॉमन नेम या पॉपुलर नेम जो होता है, इन्हें बापूजी के नाम से जाना जाता था। बापूजी के नाम से जाना जाता है किसको, जगजीवन राम को। और ये इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 के अंदर, ये सबसे छोटे एज के पर्सन थे। 1946 के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें सबसे छोटी उम्र के जो लीडर थे या पर्सन थे वो यही थे। और इन्होंने वहाँ पर एज अ लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री के रूप में अपना कार्य किया था, ठीक है। और बाद में फिर ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रहे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इनके पास रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इनके पास रही है जगजीवन राम के साथ, बिल्कुल सही, ठीक है। और इनके नाम के साथ ना एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, जब इंडिया और बांग्लादेश, बेसिकली जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 की, जब बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री, उसको डिक्लेयर करा था हमने, आज़ाद कराया था, तो उस टाइम पर ये डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन थे 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, जब बांग्लादेश का बेसिकली पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। और अगर जो ये कहा जाए कि अब तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक जो MP रहे हैं वो यही रहे हैं जगजीवन राम, ये 1936 से लेकर 1986 तक, मतलब लगभग 40 साल, 40 ईयर्स के आसपास, 40-50 ईयर्स के आसपास में लगभग एक लंबा कार्यकाल इन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखा है अपना। एक नाम है लास्ट में रफ़ी अहमद किदवाई। तो देखिए रफ़ी अहमद किदवाई जो है, ये बेसिकली इनका जो जन्म होता है वो बाराबंकी जगह में होता है। बाराबंकी जो जगह है ये आपकी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और लखनऊ के पास में एक जगह है बाराबंकी, वहाँ पर हुआ था। और ये फर्स्ट मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, भारत सरकार में आज़ाद जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके अंदर फर्स्ट जो कम्युनिकेशन मंत्री थे वो यही थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी बाकी लोगों के साथ में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश। देखिए गदर पार्टी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन मैंने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इसी साल के अंदर, UP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मतलब कई सारे स्टेट्स के अंदर इस टॉपिक से लेकर बहुत क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन जरूर करें। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया, कहाँ हुई बेसिकली, वेयर, है ना। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। और एस्टोरिया नाम की एक जगह है। एस्टोरिया कहाँ पर है, ऑरेगन सिटी के अंदर है, ऑरेगन सिटी कहाँ पर है, USA के अंदर है। तो फाइनली जो आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, USA, अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की जो है वो क्या होती है, स्थापना होती है। अब स्थापना तो हो गई, बट इसके अंदर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो उनके नाम की बात करें तो एक तो थे लाला हरदयाल, संत बाबा वसांखे, एक लाला हरदयाल हो गए, संत बाबा वसांखे हो गए, एंड बाबा गुलवा सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, संकटोष सिंह, सोहन सिंह भाकड़ा। देखिए लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा,
ये दो नाम जो हैं बहुत ही ज़्यादा भांकरा, ये दो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी से संबंधित, ठीक है। और बेसिकली जो फाउंडिंग फादर्स थे, बेसिकली ये पांच छह लोग जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको, ये फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने गदर पार्टी की शुरुआत करी थी, ठीक है। और इनिशियली जब गदर पार्टी शुरू हुई तो उसका जो एक्चुअल नेम था, मतलब जो नाम था इसका, जो जिस नाम से शुरू किया गया था, बाद में इसका गदर पार्टी नाम कर दिया गया, तो उस टाइम पर इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से गदर पार्टी जो है वो शुरू की गई थी। उसके बाद 1914 से लेके 1914 से 1917, ठीक है, 1914-1917 तक एक अंडरग्राउंड ये लोग काम करते रहे, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज करते रहे विद द हेल्प, किसकी हेल्प से, क्योंकि जर्मनी और जो ओटोमन एम्पायर है, बेसिकली टर्की वाला जो एरिया है, ठीक है, जर्मनी एंड ओटोमन एम्पायर जो आपका टर्की वाला एरिया है, इनकी हेल्प से जो अंडरग्राउंड जो एंटी ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो एक्टिविटीज चल रही थी वो इनकी हेल्प से ये लोग करते रहे, ठीक है। और इसे ब्रिटिशर्स ने एक नाम दिया था इस, मतलब जो ये एक्टिविटीज कर रहे थे गदर पार्टी के लोग विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड टर्की, उसे हिंदुस्तान जर्मन कॉरपोरेशन के नाम से कॉन्स्पिरेसी, हिंदुस्तान जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, उन्हें ब्रिटिशर्स ने इस नाम से बताया, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट थे, और किस नाम से जाना जाता था ये भी इंपॉर्टेंट है, और कब हुआ था, 1913 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जर्मनी की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी, इसकी कैपिटल है बर्लिन, यूएसए की कैपिटल आप सभी को पता होगा वाशिंगटन डीसी है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गदर पार्टी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देख सकते हैं जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ आईएनसी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। मैं आपको सारे नामों को, मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है सबकी लिस्टिंग आपको बताऊंगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। कि देखिए जो गया सेशन था 1922 के अंदर हुआ, 1922 के अंदर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे वो थे सी आर दास, दैट इज चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद हम बात करें अगर जो देखिए कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं आईएनसी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1885 के अंदर, किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए ओ ह्यूम की द्वारा इसकी जो स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुई आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। और उस टाइम पर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट 1885 के अंदर इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, दैट इज डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो ये कौन थे, ये थे उमेश चंद्र बैनर्जी, और इस टाइम पर जो सेशन था, दैट इज सेशन का नाम था बॉम्बे सेशन, ठीक है, बॉम्बे सेशन के अंदर इनकी जो प्रेसिडेंसी की चल रही थी, ठीक है। और फिर हम चलिए इस लिस्टिंग को कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शंस को कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर जो नाम है हकीम अजमल खान, तो देखिए हकीम अजमल खान जो हैं ये आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, दैट इज इन 1921 के अंदर, 1921 के अंदर हजमल अली खान आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, अहमदाबाद सेशन था, वो सेशन था आपका अहमदाबाद का, अहमदाबाद, ठीक है। और फिर है महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं, तो महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी 1924 के अंदर, 1924 के अंदर जो बेलगाम का सेशन हुआ था वहाँ पर आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। एंड और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आपका 1885 हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1885 का हमारा हो चुका था डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा मैं। और फिर हम बात करेंगे 1886 की, देखिए जो इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट्स उनको मैं कवर करूँगा सब, वैसे तो अब बात करेंगे तो अब तक तो पता नहीं कितने सारे हो चुके हैं, सबको तो याद नहीं कर सकते और पॉसिबल भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो दादा भाई नरोजी है नेक्स्ट 1886 के अंदर, दादा भाई नरोजी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें कहा जाता है, और उस टाइम पर जो सेशन था दैट इज इन कलकत्ता सेशन के अंदर, ठीक है। और दादा भाई नरोजी इसके बाद देखिए कलकत्ता सेशन में तो बने ही 86 में, और इसके साथ में ये बने थे 1893 के अंदर, ठीक है, 1893 के अंदर लाहौर सेशन था, और उसके बाद में यही थे, दो ही थे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं 1887 के अंदर, 1887 के अंदर
जो यहाँ पर आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो थे आपके आनंद मोहन बोस, ठीक है। आनंद मोहन बोस मद्रास सेशन थे। फिर हम बात करें अगर जो यहाँ पर 87 के बाद, सॉरी 89 था ये, नॉट 87, दैट इज 89 के सेशन में थे ये, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं 1905 का सेशन, 1905 का सेशन, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ठीक है, गोखले जो पॉलिटिकल गुरु हैं किसके, महात्मा गांधी के, वो बने आईएनसी के प्रेसिडेंट इन द बनारस सेशन के अंदर, बनारस सेशन के अंदर। और फिर रास बिहारी बोस बने 1907 के अंदर, रास बिहारी बोस ये बने थे आपके दैट इज इन सूरत सेशन, ठीक है, सूरत का जो सेशन था उसके अंदर। एंड रास बिहारी बोस 7 और 8 दोनों टाइम पर रहे थे रास बिहारी बोस, यहाँ पर था सूरत का सेशन और जो 8 में थे वो मद्रास का सेशन आपका चल रहा था, ठीक है। और इसके बाद एक नाम आता है मदन मोहन मालवीय का, ठीक है, जो 1909 के अंदर मदन मोहन मालवीय MMM ये बने थे INC के प्रेसिडेंट इन द लाहौर सेशन के अंदर। और उसके बाद जो दिल्ली का एक सेशन हुआ था 1918 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी आपके INC के प्रेसिडेंट रहे थे मदन मोहन मालवीय। और इसके बाद हम बात करें 1911 के अंदर एक नाम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, बी एन धार जो है वो INC के प्रेसिडेंट रहे हैं, दैट इज इन कलकत्ता सेशन, ठीक है, 1911 के बाद नाम आता है 1917 का, तो 1917 के अंदर 24 तो हमने बात कर ली थी, महात्मा गांधी का रहा सेशन, उसके बाद हुआ था पटेल का 1931 का जो सरदार पटेल थे वो बने INC के प्रेसिडेंट, और यहाँ पर जो थे सेशन जो था दैट इज इन कराची सेशन में, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज 1938, यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये बने INC के प्रेसिडेंट इन द हरिपुरा सेशन के अंदर, ठीक है। फिर 1939 के अंदर INC के प्रेसिडेंट वापस से चुने गए, कौन, SC बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ये सेशन था आपका त्रिपुरी सेशन के अंदर। बट यहाँ पर क्या हुआ, 1939 के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, तो इस टाइम पर जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने अपना जो पद था प्रेसिडेंट का वो छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जो महात्मा गांधी है वो चाहते थे कि जो पट्टाभी सीतारमैया हैं वो बने INC का प्रेसिडेंट, बट बाय इलेक्शन के थ्रू जो है वो चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से यहाँ पर इन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद 1946 to 47 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो INC के प्रेसिडेंट थे वो थे जे बी कृपलानी, ठीक है, और दिस वन। एंड इसके बाद जो है 1940 में एक चीज़ आती है कि लाहौर सेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है 1940 के अंदर, 1940 में जो लाहौर का सेशन था, ठीक है, और लाहौर सेशन में इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे INC के वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये थे आपके INC के प्रेसिडेंट। और इनके टाइम पर मुस्लिम लीग जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब एक इंडिपेंडेंट राज्य या देश की मांग की गई थी, जो बेसिकली पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो मांग है वो इसी सेशन 1940 के अंदर मुस्लिम लीग के द्वारा मांग रखी गई थी कि भाई उन्हें क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे लोग थे जितने शख्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट हैं और कई सारे एग्जाम्स के अंदर आए हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और बाकी बहुत सारे नाम जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और एक नाम और था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जब हमने बात करी थी ना लास्ट क्वेश्चन में, राजेंद्र प्रसाद ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बॉम्बे सेशन के अंदर प्रेसिडेंट रहे हैं INC के, दैट इज इन 1934 के अंदर, ठीक है, क्लियर। और दिस वॉज अ थिंग। एंड एक नाम और आ रहा है मुझे याद, दैट इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो ये पहली बार जो पूना का सेशन हुआ था, दैट इज इन 1895 के अंदर INC के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद एक अहमदाबाद का सेशन, दैट इज इन 1902 के अंदर, तब ये बने थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी INC के प्रेसिडेंट। और एक बार और बने हैं ये, दैट इज इन अहमदाबाद में ही हुआ था, दैट इज इन 1902, हाँ ठीक है, ये दो ही थे, ठीक है, दो बार बने थे ये, ठीक है। तो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हुए,
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी आर दास, चितरंजन दास। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन थोड़े कम हो पाएंगे हमारे एक वीडियो के अंदर, मतलब हम हार्डली कहेंगे कि 6, 7, 8 क्वेश्चन हो पाएंगे, बट उसके साथ जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो डेफिनेटली सभी ने देखे ही होंगे, बट उसके साथ जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। 1905 के अंदर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो गठन है वो किसने किया था? ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन है? पॉलिटिकल गुरु है महात्मा गांधी के, ठीक है। और जो ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है इसको शुरू करने का जो उनका मुख्य उद्देश्य था तो वो ये था कि यूनाइट करना है और ट्रेन करना है किसको? इंडियंस को फॉर द डिफरेंट रिलीजन, और जो इंथुसियाज करना है वेलफेयर ऑफ द वर्क के लिए। मतलब देखिए एक यूनिटी के बारे में, मतलब देश को, देश के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जाति हैं, प्रंथ हैं, तो उन सबको क्या करना है? एक तरफ लाना है, मतलब एक ट्रैक में लाना है कि भाई धर्म जाति संप्रदाय सब ठीक है बट सबसे ऊपर क्या है? देश। और देश को क्या कराना है? आज़ाद। तो उस दिशा में काम करना है, तो उसके लिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एक तरीके से जो गठित करी गई थी वो इसका मेन उद्देश्य था। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? पुणे के अंदर, ठीक है। और इसकी 3 ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए एक तो हो गया हेडक्वार्टर, या आप रीजनल ब्रांचेस की जब हम बात करें, रीजनल ब्रांचेस की, तो वो आपको 3 देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलती है नागपुर के अंदर, दूसरी मिलती है दैट इज इन अलाहाबाद, प्रयागराज जिसे आज की डेट में कहा जाता है, और दूसरा सॉरी 3 नहीं है, 4 थी बेसिकली, 4 रीजनल ब्रांचेस थी, नागपुर, अलाहाबाद और आई थिंक जस्ट थर्ड, हाँ थर्ड थी आपकी मुंबई, मुंबई के अंदर, और फोर्थ थी आपकी मद्रास, ठीक है। तो ये 4 जगहों पे रीजनल ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की, ठीक है। अब इसके साथ तो ये तो था ही आपका कि आज़ादी करनी है या यूनाइट करना है देश को और एक प्रॉपर एक ट्रैक में चलाना है चीज़ों को। तो साथ में यहाँ पर एक और उद्देश्य था इस ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रमोशन करना है, किसका? मतलब प्रमोट करना है एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। और हटाना है किसको? रिमूव करना है अनटचेबिलिटी, जो एक छुआछूत की जो एक समस्या थी ना, अनटचेबिलिटी, ठीक है, उसको हटाना है। मतलब किसी नीची जात का है या किसी को कोई बीमारी है, मतलब एक होता है अनटचेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो उस चीज़ को हटाना है। तो ये भी एक यहाँ पर एक मुख्य उद्देश्य था गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है। तो ये बात हो गई गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। फिर हम अगर जो बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम दैट इज़ बिपिन चंद्र पाल, को थोड़ा रफ कर लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल, देखिए एक वर्ड आपने सुना होगा, लाल बाल पाल है ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, यह बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये जो लाल बाल पाल वाला जो कॉन्सेप्ट है, 3 of LBP, उन तीनों में से एक हैं ये आपके बिपिन चंद्र पाल, लास्ट वाले, ठीक है। तो लास्ट वाले हैं ये, वन ऑफ द लाल बाल पाल, ठीक। और ये बेसिकली इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, मराइन मूवमेंट, बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट था। ये किसके साथ किया था? ये किया था श्री अरविंदो घोष के साथ, ठीक है, अरविंदो घोष, ठीक है। ये भी INC से संबंधित एक नेता हैं, इनके साथ में ये स्वदेशी मूवमेंट जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश दैट मीन्स मराइन वाला पार्ट किया था, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो बिपिन चंद्र पाल के साथ में, इन्हें एक्चुअली फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक इंग्लिश वीकली शुरू किया था बिपिन चंद्र पाल ने, और उस इंग्लिश वीकली का नाम था दैट इज न्यू इंडिया नाम का इंग्लिश वीकली था, वो भी शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा 1901 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने फॉर द एजुकेशन और स्वदेशी या बायकॉट ब्रिटिश थिंग्स, मतलब जो विदेशों से सामान आ रहा है उसका इस्तेमाल ना करें, स्वदेशी अपनाएं, इस तरीके के जो मूवमेंट थे उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है महादेव गोविंद राणे, ठीक है। महादेव गोविंद राणे जो है ये एक इन्होंने शुरू की थी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी मतलब जो दक्षिण भारत का इलाका है, मतलब महाराष्ट्र के नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो एरिया है वहाँ पर एजुकेशन सोसाइटी को शुरू किया था, ठीक है। मतलब एजुकेशन के फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे थे, मोस्टली इन महाराष्ट्र के एरिया के अंदर।
एसएन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में हमने अभी बात करी थी, ठीक है। तो रस्त गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये इन्होंने ये अगेंस्ट थे बेसिकली जो एक पार्टीशन हुआ था, किसका, बंगाल का, बंगाल पार्टीशन जो था आपका उसके अगेंस्ट थे। और बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, 1905 के अंदर जो बंगाल पार्टीशन था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया था। और जैसा कि अभी हमने बात करी थी एक लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो एसएन बैनर्जी है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वही व्यक्ति हैं जो पुणे सेशन के अंदर आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, फिर अहमदाबाद सेशन के अंदर प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया नामक जो बुक है वो किसने लिखी है, ये लिखी है लाला लाजपत राय के द्वारा। ये भी वही है आपका लाल बाल पाल वाला जो एक नाम था, तीन वर्ड्स, तो इसमें से जो पहला वर्ड है वो है आपके लाला लाजपत राय, ठीक है। और लाला लाजपत राय को केसरी हिंद के नाम से जाना जाता है या पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भी कब रहे थे, आईएनसी के प्रेसिडेंट थे ये आपके, आईएनसी के प्रेसिडेंट, दैट इज इन 1920 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने शुरुआत करी थी, इनिशिएशन किया था फॉर द पंजाब नेशनल बैंक, जो पीएनबी आप जिसे आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक, उसकी शुरुआत करने वाले ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, ठीक है। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ, इन्होंने एक फाउंडेशन रखी थी, मतलब देखिए 1921 के अंदर, और वो थी आपकी सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जो है, सोसाइटी उसकी जो फाउंडेशन रखी थी, उसकी शुरुआत करी थी 1921 में लाला लाजपत राय ने, ठीक है। ये बेसिकली क्या थी, एक एनजीओ थी ये सोसाइटी, और ये कहाँ पर है, लाहौर के अंदर है, लाहौर के अंदर ये सोसाइटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो जाती है, ये जो साइमन कमीशन था, आपको याद होगा कि साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पर इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठीचार्ज कराया था, तो उसकी वजह से इनके सर पर चोट लगी, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक जो है इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से जनरली जाना जाता है, मतलब एक फेमस नेम है इनका लोकमान्य, ठीक है। और इन्होंने एक बेसिकली स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, मतलब आज़ादी मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो नारा था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, और ये बेसिकली एडवोकेट थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। और इन्होंने ये पहली बार इन्होंने वकालत की थी कि भाई जो स्वराज की और सेल्फ रूल की, मतलब हम आज़ादी चाहते हैं और हम अपना रूल खुद चलाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना स्वराज का, आज़ादी वाला, तो इनिशिएट किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल। तीनों चीज़ हमें मिल गई, कौन कौन थे लाल बाल पाल वाले लोग, ठीक है। तो इन्होंने ही शुरुआत की थी कि स्वराज वाला जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने ही बताया था, और साथ में इन्होंने कहा था कि जो सेल्फ रूल है भाई, हम अपना राज खुद चलाएंगे, हमें किसी ब्रिटिशर्स की या किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये वही महिला है जो 1916 के अंदर होम रूल लीग जो थी इनके साथ, मतलब होम रूल लीग जो शुरुआत हुई थी वो भी उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। एओ ह्यूम ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1885 के अंदर आईएनसी की स्थापना करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनको कौन सा पदभार मिला था, किस डिपार्टमेंट में ये थे इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री थी इनकी, इनके पास जो मिनिस्ट्री थी वो थी आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थी, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास थी, ठीक है। और अगर जो हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, नेहरू जी, तो इनके पास जो मिनिस्ट्री थी वो थी आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री थी, कॉमनवेल्थ की, जो कॉमनवेल्थ रिलेशन है उसकी मिनिस्ट्री इनके पास थी। फिर सरदार पटेल जी थे, पटेल साहब, इनके पास होम मिनिस्ट्री थी, गृह मंत्रालय इनके पास था, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इनके पास था, एंड एक थे सरदार डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री थी सरदार बलदेव सिंह के पास, सरदार
बलदेव सिंह के पास, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो थे डिफेंस मिनिस्टर, और एक और नाम था इम्पोर्टेंट यहाँ पर, दैट इज डॉक्टर जॉन मेथाई जो थे, इनके पास जो इंडस्ट्री एंड सप्लाई जो मिनिस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो थी वो जॉन मेथाई के पास थी, ठीक है। जगजीवन राम जो हमने, जिसके बारे में हमने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, जगजीवन राम, तो इनके पास जो मिनिस्ट्री थी दैट इज अ लेबर मिनिस्ट्री, हमने उस वीडियो के अंदर, उस पार्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस करी थी। एक मिनिस्ट्री है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री थी लियाकत अली खां के पास, ठीक है, और एक थी इहो मिनिस्ट्री, तो हमने बात कर ली किसके पास थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, और एक मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रह जाती है दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास थी, वो थी सी राजगोपालाचारी के साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज थी डिफरेंट लोगों के पास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई ये हुई 1930 के अंदर, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के अंदर हुई थी, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी 1932 के अंदर, ठीक है, 1932। तो देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहे, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बी आर अम्बेडकर जी, और साथ में इनके थे कौन थे, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तो ये दो लोग थे, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, ठीक है। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी, ये हुई थी लंदन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने पार्टिसिपेट किया ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। महात्मा गांधी और पटेल जी जो थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, ठीक। बी आर अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और लॉ मिनिस्टर जो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो थे वो थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दैट इज सी, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और बाकी लोगों के इन्फॉर्मेशन जो नाम है उसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर लिया है। चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876 के अंदर इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना करी थी वो करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी, और साथ में यहाँ पर थे आनंद मोहन बोस। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन इन 1870 के अंदर ये शुरुआत करी थी, इन दोनों लोगों ने मिलकर, ठीक है। देखिए ये जो आपका है इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो शुरुआत में था, उसके बाद फिर ये INC के साथ मर्ज हो गया, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गए, कब हो गया था ये मर्ज, 1885 के अंदर। देखिए 1876 के अंदर ये इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जो शुरुआत हुई उसके लगभग आप ये कह लीजिए 9 साल बाद INC बनी, INC के अंदर ये क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रगुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। WC बनर्जी ये आपके उमेश चंद्र बनर्जी हैं, INC के प्रेसिडेंट हैं, कब बने थे, 1885 के अंदर जो पहली बार INC बनी उस टाइम पर ये प्रेसिडेंट थे। अरबिंदो घोष जो है नाम, अरबिंदो घोष भी INC से संबंधित है, और इनकी एक बुक है द लाइफ डिज़ायर, एक बुक का नाम है द लाइफ डिज़ायर सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक है। ये जो बुक है ये इनके द्वारा लिखी गई है, अरबिंदो घोष के द्वारा, ठीक है। आवर्स ऑफ गॉड, द मदर, इस तरीके की जो बुक्स हैं बेसिकली वो इनके द्वारा लिखी गई हैं, अरबिंदो घोष। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फर्स्ट। देखिए सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये शुरू होता है 1942 के अंदर, ठीक है। और बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर, और इसको जो ड्राफ्ट किया था, मतलब क्या क्या करना है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। और बेसिकली इसकी जो डेट है, मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें डेट की, तो वो तारीख थी 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। और उस टाइम पर जो बॉम्बे सेशन था, INC का,
और उसके प्रेसिडेंट थे एमके गांधी, महात्मा गांधी जो थे वो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इसी में एक दिन पहले, मतलब देखिए 8 तारीख को ये हुआ था, 7 अगस्त 1942 को एक नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो का जो नारा है वो भी इस डेट में दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है। फिर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन जो है ये आपका आता है मार्च 1942 के अंदर। देखिए ये आपका अगस्त में था, ये मार्च में है, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंदर आता है। टू ऑप्टेन, मतलब भारतीयों, क्यों आता है, क्योंकि देखिए भारतीयों का ये सहयोग चाहता है किसके अंदर, वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी भाई, देखिए 1942 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, तो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो है वो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए क्रिप्स मिशन एक तरीके से भारत आता है। और इसके अंदर जो चेयरमैन होता है, बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है इस क्रिप्स मिशन का, उसका नाम है सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये इसका नाम है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फुल नेम क्या था इसका, ठीक है। और ये भारत आता है, भारत कब आता है, ये आता है देखिए इसके लिए टाइम की बात करें 22 मार्च से लेके 12 अप्रैल 1942 के बीच में ये भारत में आता है और भारत के विभिन्न लोगों के साथ में ये बात करता है, ठीक है। अब ये जो क्रिप्स मिशन आया, इसने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए कि भाई आप हमारे साथ में वर्ल्ड वॉर टू के साथ सहयोग करो तो हम आपको आज़ादी दे देंगे, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस अपनी बताई इसने। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको मुस्लिम लीग ने, दैट इज मुस्लिम लीग के द्वारा, उसे क्या कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया, मना कर दिया गया कि भैया जो आप ये बातें कह रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो टू नेशन थ्योरी थी ना, 1940 में जब आपका लाहौर सेशन था, वहाँ पर मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई दो नेशन चाहिए, तो वही चीज़ जो है आपके क्रिप्स ने मना कर दी कि भाई हम जो टू नेशन थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है उसको नहीं मानते, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, एक डेट आपको याद रखनी है ये वाली, और दूसरा ये रखना है ये वाला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल एज द गवर्नर जनरल। देखिए लॉर्ड वेवल जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बने, ये कब बने थे, ये बने थे आपके 15 जून 1943 को ये भारत के गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे। ब्रिटिश पीएम जो थे उस टाइम पर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि भैया आप जाओ भारत जाओ एज अ गवर्नर जनरल, आप संभालो वहाँ पर, ठीक है। फिर होता है अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन जो था ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये कब होता है, ये आता है आपका 24 मार्च को 1946, ठीक है, 1946 में ये आता है 24 मार्च को। और इसी के अकॉर्डिंग बेसिकली जो मिशन, कैबिनेट मिशन है, इसकी जो कॉन्सेप्ट थे या जो भी इसकी बातें थी, ठीक है, इसने जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उसे मान लिया कि भाई ठीक है आप आज़ाद हो जाओ, दो नेशन बना लो, जो करना है कर लो, ठीक है, ये बात इसने कही। तो इसकी बात जो है वो लगभग सभी लोगों ने मान ली थी। और इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट लोग थे, उनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, एक है पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं ए वी अलेक्जेंडर, और तीसरे हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत चेयरमैन बन के आए थे, ठीक है। तो ये तीनों लोग आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ये सब कहानी के बाद, कि भाई पहला कौन सी घटना हुई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपकी घटना होती है क्रिप्स मिशन की, क्योंकि ये मार्च में हुआ, उसके बाद अगस्त में ये हुआ, फिर 43 में ये हुआ, 46 में हुआ। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि इन विच कंट्री वॉज द ऑनरिफिक नेताजी अप्लाइड फॉर द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो था, इनका जो नाम था एससी बोस कहा जाता है इन्हें, बट इनको जो एक टाइटल दिया गया नेताजी वाला, नेताजी इन्हें कहा जाता है, तो नेताजी टाइटल जो है वो कहाँ दिया गया और किस कंट्री में दिया गया, ये पूछा गया है। तो ये 1942 की बात है, 1942 का टाइम था, और ये कहाँ थे उस टाइम पर, जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी में जो वहाँ की भारतीय सेना थी, देखिए वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, तो वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, तो जर्मनी के अंदर जो भारतीय सेना थी, वहाँ के लोगों ने नेताजी को, मतलब सुभाष चंद्र बोस को एज अ नेता का जो टाइटल है वो स्पेसिफाई किया, मतलब दिया, ठीक है। और जर्मनी की कहाँ पर, स्पेशली अगर जो हम बात करें बर्लिन, वहाँ की जो कैपिटल थी, वहाँ पर ये टाइटल दिया गया था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो एक नारा दिया था, वो नारा था गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो फेमस स्लोगन है, नारा है, वो किसके द्वारा दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। और इनके साथ में वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, एक मैंने डिस्कस भी किया, आई थिंक 1938 के अंदर ये बने थे हरिपुर सेशन के अंदर, हरिपुर सेशन के अंदर INC के प्रेसिडेंट
और 1939 के अंदर भी वापस से दोबारा से चुने गए थे त्रिपुरी सेशन के अंदर आईएनसी के प्रेसिडेंट, बट यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि प्रेसिडेंट बने वो पट्टाभी सीतारमैया जो है प्रेसिडेंट बने, बट जीते थे ये, तो थोड़ा सा विवाद होने की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था और यहाँ से फिर वो चले गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश करी है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ तो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।